नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में कृषि कानून के विरोध में किसान ने गेहूं की खड़ी फसल पर चला दिया रोटावेटर। तीन कृषि कानून और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के विरोध में एक किसान ने रविवार को अपनी 6 बीघा गेहूं की फसल पर रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया। उसने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। मामला खेतौली क्षेत्र के गांव भैंसी का है। यहां के योगेंद्र अहतावल पुत्र वेद प्रकाश के पास लगभग 35 बीघा खेती की भूमि है। उसने 6 बीघा जमीन में गेहूं की फसल उगाई हुई है। रविवार को सुबह योगेंद्र ट्रैक्टर व रोटावेटर लेकर खेत पहुंच गया और खेत में खड़ी 6 बीघा गेहूं की फसल को रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान योगेंद्र का कहना है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तीन कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्यों को लेकर फसलों की कुर्बानी देने की बात कही थी। सरकार किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों को लागत के हिसाब से अपनी फसल का भाव नहीं मिल रहा है। किसान बर्बादी के कागार पर है। इसी कारण उसने अपनी फसल को तहस नहस कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर मंडल महासचिव राजू अहतावल का कहना है कि सरकार की नीतियों से किसान परेशान है। किसान खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद करने को मजबूर है। आगामी चुनाव में ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आपको क्या लगता है कि अपनी 6 बीघा गेहूँ को ऐसे जोत कर बर्बाद करना क्या सही है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।